अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिश शाहिद। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिश शाहिद। इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी रिसर्च किया है ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से, ट्रैवलिंग के हवाले से। काफ़ी लोग जो है वो ट्रैवल करना चाह रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड समझ रहे होते हैं ट्रैवल को। कॉम्प्लिकेटेड इस तरह समझ रहे होते हैं कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को शेंजन जाना है, स्पेन जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो वो एजेंट्स को जो है वो लाखों रुपए पे करते हैं और एजेंट्स को यानी पैसे देते हैं कि भाई हमें वीज़ा लगवा दो, हमारे डॉक्यूमेंट बना दो। जबकि ये बहुत ही आसान सा काम है, यानी आप घर बैठे ख़ुद अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आपको किसी एजेंट की या किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाऊं कि मैं 74 कंट्रीज अल्हम्दुलिल्लाह घूम चुका हूँ। ये मेरा स्पेन का वीज़ा है, अगर आप देख सकते हैं तो शेंजन का वीज़ा था मेरा, जो कि मैं इसी मंथ जो है वो ट्रैवल करके आया हूँ। ये बेसिकली दिखाने का मकसद ये है कि मैंने किसी एजेंट के पास, यानी मैं खुद फिज़िकली किसी एजेंट के पास नहीं गया हूँ, ना मैंने किसी ट्रैवल एजेंसी से रابطہ किया। मैंने घर बैठे अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया, आई थिंक अराउंड 2 मंथ्स के अंदर। अच्छा, अप्रूव इस तरह भी होता है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, शेंजन के लिए ख़ास तौर पे। अगर आप यानी अगर आपका दुबई लगा हुआ है, सऊदी लगा हुआ है, तो भी आपको वीज़ा मिल सकता है। लेकिन अगर आपने सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया वगैरह अप्लाई किया हुआ है, तो बहुत ही ईजी वे में आपको स्पेन का वीज़ा मिल जाता है। इसकी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट मैं आपको बताता हूँ कि इसकी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है। इसके लिए आपको जस्ट आपकी लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आपका अपना क्या काम है, क्योंकि जब आप वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई नहीं करेंगे आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात यह है कि आपका यानी कोई बिज़नेस होना चाहिए, या अगर आप बिज़नेस नहीं है तो आप स्टूडेंट होने चाहिए, स्टूडेंट नहीं है तो आप एक सैलरी पर्सन होने चाहिए, यानी आपको कोई सैलरी पे कर रहा है कंपनी में, ठीक है, वो पे स्लिप्स वगैरह शो करनी पड़ती हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की बड़ी सिंपल सी रिक्वायरमेंट होती है, मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ। आपकी लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपका सैलरी के सर्टिफिकेट होने चाहिए, यानी अगर आपके 6 मंथ के सैलरी स्लिप होनी चाहिए। इसके साथ आपका जो है वो एक फ़ोटोग्राफ चाहिए होते हैं, जो आप किसी भी यानी जाके स्टूडियो में फ़ोटो आप कैप्चर करवा सकते हैं। इसके अलावा आपका पासपोर्ट चाहिए होता है, पासपोर्ट की हिस्ट्री चाहिए होती है। अब हिस्ट्री बनाने के लिए लोग ट्रैवल एजेंट के पास जा रहे होते हैं, हिस्ट्री आप ख़ुद बनाएं, यानी आपके पासपोर्ट को सिंपली आपने स्कैन करना है, जहाँ जहाँ आपने ट्रैवल किया फ्रंट पेज बैक पेज आप स्कैन करें, ट्रैवल हिस्ट्री आपकी बन जाती है। तो ये बहुत ही यानी ईजी वे है आपको ट्रैवल करने के लिए। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं चाहिए, ये सारी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। मैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट डिस्क्रिप्शन पे अटैच भी करूँगा, ताकि आपको ईजी हो, आपको पता चले कि बिज़नेस पर्सन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, सैलरीड पर्सन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप ना बिजनेसमैन हैं ना सैलरी पर्सन हैं, फिर भी आप यूरोप जाना चाहते हैं, तो यूरोप के लिए क्या यानी ईजी वे होगा, जो आप किस तरह आपके डॉक्यूमेंट क्रिएट होंगे, किस तरह आपका NTN क्रिएट होगा, किस तरह आप अपना बिज़नेस शो करवा सकते हैं, आप अपना अकाउंट किस तरह चला सकते हैं। क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग वीडियो भी देख रहे होंगे जो जिनके पास ना अकाउंट है, जिनके पास ना बैंक स्टेटमेंट है, वो फिर भी जाना चाहते हैं, तो वो लीगल वे से किस तरह जा सकते हैं, ठीक है। तो स्पेन का जो है वो डॉक्यूमेंट्स अगर आप पूरे स्पेन को प्रोवाइड करते हैं ना, तो स्पेन आपको 100% इस वक्त स्पेन का रेशो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ स्पेन का जो अपॉइंटमेंट है वो भी आपको ईजीली मिल जाता है, स्पेन का अपॉइंटमेंट भी इस वक्त अवेलेबल है, जो कि लेटेस्ट अपडेट है जुलाई की, जुलाई से लेके जो नवंबर तक की अपडेट आ रही है उसमें स्पेन के अपॉइंटमेंट्स काफ़ी अवेलेबल हैं। साथ ही साथ स्पेन जो है वो वीज़ा रेशो तकरीबन 70-80% वीज़ा रेशो अप्रूव है। अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इंडिविजुअल अप्लाई करते हैं तो आपको अपने टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाने हैं कि पाकिस्तान के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है, यानी पाकिस्तान आप वापस आएंगे, उनको ऐसा शो करवाना है। वो शो जब करवा सकते हैं, जब आप अपना बिजनेस शो करेंगे, या आप अपना सैलरी शो करेंगे, आप अपना स्टेटमेंट दिखाएंगे कि ये हमारा स्टेटमेंट है, हम डेफिनेटली जो है वो मैं घूमने जा रहा हूँ, घूम के वापस आ रहा हूँ। जब भी वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाई होता है और वो आपको जो है वो सारी चीज़ें बताता है। तो ये वीडियो बेसिकली एक इंट्रोडक्शन के हवाले से मैंने बनानी थी, कि क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, और जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स आता रहेगा मुझे, मैं आगे वीडियोज़ बनाता रहूँगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। क्योंकि मैं कंप्लीट यूरोप घूम चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 74 कंट्रीज़ में घूम चुका हूँ। इसके अलावा मैं UK जा चुका हूँ, मैं सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, बैंकॉक, दुबई, सऊदीया,
इसके अलावा जो है वो अज़रबैजान में जा चुका हूँ, इसके अलावा जो है वो मैं श्रीलंका जा चुका हूँ, यानी बहुत सारे मुल्क में मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता जाऊँगा किस तरीके से आपको वीज़ा मिलता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।